नमस्कार दोस्तों, चिराग पासवान खेला करने वाले हैं और इसी खेला को देखते हुए अमित शाह ऑपरेशन लोटस की तैयारी करने में जुट गए हैं। आप सभी को पता है कि चिराग पासवान इन दिनों राहुल अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अपने पार्टी का स्टैंड लेने की बात तो छोड़ दीजिए, वो विरोधी दलों के साथ जाकर मिल बैठे हैं और जब से चिराग पासवान बैक टू बैक मोदी सरकार के लाए गए नए नए फरमान का विरोध कर रहे हैं, तब से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी ये चाहती नहीं है कि चिराग पासवान इस तरीके की बयानबाजी करे, लेकिन चिराग पासवान अपने बयानों को लेकर लगातार इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे हैं। चाहे वो बफ वोट बिल का संशोधन हो या जातिगत जनगणना का मामला हो या फिर लेटरल एंट्री का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर वो विपक्षी दलों के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे थे। और यही वजह थी कि मोदी सरकार को इस 2.5 महीने के अंतराल में बैक टू बैक अपने तमाम बड़े फैसले जो लेकर आ रही थी उसको ठंडे बस्ते में डाल देना पड़ा। अब जैसे ही चिराग पासवान की बगावत की बू अमित शाह और मोदी के कानों में पड़ी तो अमित शाह ने लगता है ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। आप सभी को पता है बीजेपी अल्पमत वाली सरकार है, उनके पास अपना कोई मत नहीं है कि वो अपने बलबूते पर सरकार बना ले। सीधे तौर पर कहा जाए तो बैसाखी वाली जो सरकार है वो मोदी सरकार इस वक्त चला रही है, जहाँ पर उनको एक एक सांसद जो है बेहद इम्पॉर्टेंट है। कोई एक सांसद मोदी का साथ छोड़ते हैं तो कुर्सी जो है वो हो जाएगी गिर। कुर्सी का जो खंभा है, जो स्टैंड है, वो हो जाएगा टूटता हुआ नज़र आएगा। और यही वजह है कि अमित शाह इस बात को लेकर बहुत बेचैन है कि अगर ऐसा कुछ होता है इन फ्यूचर तो इसके लिए पहले से ही तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान के तेवर कुछ बदले बदले से नज़र आ रहे हैं, जिसको देखते हुए अमित शाह का जो स्टेप लिया गया है वो शायद चिराग पासवान को सही नहीं लगेगा। वो चिराग पासवान इस पूरे मामले को लेकर खुद ही बीजेपी से नाता ना तोड़ दें, वो खुद ही आगे आकर ये ना कह दें कि भैया हमारा हो गया आपके साथ, अब हम अपने रास्ते आप अपने रास्ते। क्योंकि अब मोदी सरकार वो मोदी सरकार तो रही नहीं कि भाई कोई चला जाए आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एनडीए के सहयोगी रहे ना रहे कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी जो हालात है दोस्तों वो ये हैं कि अगर चिराग पासवान बीजेपी से अपना हाथ हटाते हैं तो बीजेपी तीन टांग वाली हो जाएगी, और तीन टांग को बीजेपी का फिर कोई मतलब नहीं रहता, तीन टांग पर वो सरकार नहीं चला सकती। और इसी को देखते हुए अमित शाह ने अपना मास्टर स्ट्रोक जो है चाणक्य नीति अपनाना शुरू कर दिया है। चाणक्य नीति अपनाते हुए अमित शाह ने चिराग पासवान के सबसे बड़े दुश्मन उनके चाचा पशुपति पारस के साथ मीटिंग बुलाते हुए नज़र आए हैं, मीटिंग करते हुए नज़र आए हैं, जिसकी तस्वीर सार्वजनिक भी कर दी है। शायद अमित शाह ये संदेश देने की कोशिश चिराग पासवान को कर रहे हैं कि अगर चिराग पासवान कुछ इधर उधर करते हुए नज़र आए तो वो दिन दूर नहीं जब चिराग पासवान को साइड करके अमित शाह उनके चाचा के साथ चले जाएंगे। मैं आपको एक एक खबर एक एक जानकारी दूंगी कि कैसे बिहार की राजनीति में इस वक्त बवाल आया हुआ है। बिहार की राजनीति तो छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में चिराग पासवान के स्टैंड को देखते हुए बवाल ही बवाल मचा हुआ है। क्योंकि अब खबर ये आने लगी है कि चिराग के चाचा, जी हाँ चिराग के चाचा को लाकर अमित शाह अपनी पार्टी में शामिल करेंगे और चिराग पासवान से अपना पत्ता कटवाएंगे। देखिए नवभारत टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है कि आने लगे हैं अब रुझान, चिराग के चाचा के साथ मुलाकात कर क्या संकेत दे रहे हैं अमित शाह, कुछ बड़ा होने वाला है क्या? क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान विपक्षी दलों के साथ अपनी नज़दीकियां साथ गांठ बिठाते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको देखते हुए अमित शाह चिराग के चाचा के साथ मुलाकात बात करते हुए कुछ बड़ा करने की फिराक में लगे हुए हैं।
नवभारत टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों कि हर एक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, ये प्रगति का नियम है। राजनीति की दुनिया में भी इसे अछूता नहीं है और ना हो सकती है। इसलिए गाये बिगाए राजनीति में प्रकृति के इस नियम की झलक भी मिलते रहती है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपनी ही सरकार की नीतियों पर लगातार आपत्तियां जाहिर कर रहे हैं। हालिया मामले में उन्होंने राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना का समर्थन किया। ये सब चल ही रहा था कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक तस्वीर अचानक से सोशल मीडिया पर सनसनी फैला देती है। तस्वीर जो है दोस्तों वो पशुपति पारस और प्रिंस राज पासवान से मुलाकात की सामने आई है। पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति रालोचपा के अध्यक्ष और चिराग पासवान के चाचा हैं। वहीं प्रिंस राज पासवान पूर्व सांसद राजलोपा के नेता और चिराग के दूसरे चाचा रामचंद्र पासवान के बेटे हैं। तो क्या अमित शाह चाचा भतीजे की ये मुलाकात में प्रकृति के ये नियम के तहत ही हुई है? क्योंकि यहाँ पर जी हाँ, चिराग पासवान कुछ अलग ही करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसको देखते हुए अमित शाह अपनी रणनीति करने में, अपनी राजनीति करने में लग गए हैं। अब एक और खबर आई है कि चिराग मोदी सरकार और एनडीए के स्टैंड से असहमति जता रहे हैं, विरोधियों से मिला रहे हैं सुर। जी हाँ, चिराग पासवान मोदी सरकार और एनडीए के स्टैंड से असहमति बार बार जता रहे हैं और विरोधियों के गले में गले डालकर वो उनका साथ निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी की टेंशन लगातार बढ़ रही है। अब देखिए, आज तक के हवाले से भी खबर आई कि चिराग पासवान ने किया राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का समर्थन। बीजेपी में बढ़ गई है टेंशन, क्योंकि बढ़ेगी ही टेंशन। बीजेपी के अगर एक सांसद भी बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की क्या स्थिति, क्या हालत होने वाली होगी आने वाले समय में। मोदी का कुर्सी जो है वो क्या हो जाएगा? अब इसी को लेकर जो है, जब से चिराग पासवान अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, विरोधियों के साथ मिल रहे हैं, इसी कड़ी में अमित शाह जो है वो चाचा पारस से, पशुपति पारस से जो है मुलाकात कर रहे हैं। चिराग के तेवर के बीच जो है ये सब कुछ अमित शाह के ज़रिए किया गया है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अब अमित शाह भी फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो ये तमाम खबरें दोस्तों आपके सामने हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान की नज़दीकियों के बीच एनडीए में जो है खटपट के सुर लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, एनडीए गठबंधन सब कुछ सही चल रहा है? जी नहीं दोस्तों, सब कुछ सही नहीं चल रहा है, सब बेकार है। तभी तो ये सब कुछ तस्वीर और खबरों में सुर्खियां बटोरने की कोशिश की जा रही है ताकि दोनों एक दूसरे को संदेश दे सके। खबर तो यहाँ तक ये भी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जब से अमित शाह चाचा चिराग पासवान के चाचा से मुलाकात कर रहे हैं, तब से चिराग पासवान भी बेचैन हो उठे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वो 8 सांसदों को लेकर राहुल गांधी के साथ मुलाकात बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, समर्थन देने की बात कर रहे हैं। ये भी सूत्रों के हवाले से कई चैनलों पर दोस्तों खबर चलता हुआ नज़र आ रहा है, मैंने देखा तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, अब खबर ये भी आ रही कि एनडीए में खटपट शुरू, राहुल अखिलेश की राह पर चिराग पासवान, बिहार चुनाव से पहले होगा बहुत बड़ा खेला। सोचिए, चुनाव 2025 में है और 2024 से ही खेला शुरू कर दिया है। कई बड़े पत्रकार जो है चिराग पासवान को लेकर, अमित शाह को लेकर अपनी बातें रखते हुए सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं, जिनमें केपी मलिक जो हैं वरिष्ठ पत्रकार दैनिक भास्कर के, वो लिख रहे हैं कि चाणक्य की गिद्ध नज़र चिराग पासवान के सांसदों पर है। सूत्रों द्वारा खबर आ रही है कि बिहार की लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी एक बार फिर से टूटने के कगार पर है, क्योंकि चाणक्य लेटरल एंट्री और SC ST वर्गीकरण को लेकर चिराग पासवान के तेवर से, जी हाँ, तेवरों को सरकार का विरोध माना जा रहा है। चिराग पासवान आप चाणक्य के गले की हड्डी बन चुके हैं, लिहाजा अब चिराग पासवान का इलाज जरूरी है। वैसे भी चिराग की पार्टी टूटना कोई नई बात नहीं है, पहले भी टूट चुकी है। उधर नीतीश कुमार और जदयू के हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। यानी कि खबर ये भी आ रही है कि अमित शाह जो है
चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और यही वजह है कि चिराग पासवान के चाचा से नज़दीकियाँ अमित शाह जो है लगातार बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको देखते हुए चिराग पासवान भी अब सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। और यही खबर जो है सुर्खियाँ बटोर रही है कि इस 8 सांसदों के साथ चिराग पासवान राहुल गांधी को समर्थन दे सकते हैं, उनके पास समर्थन जो है वो अपना राहुल गांधी को देकर इंडिया गठबंधन की सरकार बना सकते हैं, जहां पर वो आज़ादी के साथ खुलकर अपनी बात, अपनी विचारधारा जो है वो लोगों के सामने रख सकते हैं। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से लगातार सामने आ रही है। दोस्तों, आप सभी को पता है बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार के तेवर अलग ही लेवल के नज़र आ रहे हैं। नीतीश कुमार बड़े ही गुपचुप तरीके से अपने पार्टी को समेटने में लगे हुए हैं, जहां पर खबर ये भी आ रही थी कि नीतीश कुमार की जदयू भी बहुत जल्द टूटकर बिखरने वाली है। लेकिन अब नीतीश कुमार उन तमाम बागी विरोधियों को अपनी टीम से बाहर का रास्ता निकालते हुए एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में इस वक्त इंडिया गठबंधन जो है दोस्तों बहुत ही मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के विरोधियों की जो तालमेल है उससे नज़दीकियाँ बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये दिखने लगा है कि बीजेपी कि अस्थिरता वाली सरकार जो है अस्थिर होने वाली किसी भी वक्त नज़र आ सकती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।